दोस्तों भारतीय टीम के वर्ल्ड कप मैच रद्द हो गया है और दोस्तों भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि आखिरकार भारतीय टीम वर्ल्ड कप मैच क्यों नहीं खेलेगी। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना न भूले। दोस्तों भारतीय टीम का पहला मैच 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेला जाएगा। दोस्तों जहां पे बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है जिसके चलते भारतीय टीम पाकिस्तान से होने वाली T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच में यह मैच रद्द भी हो सकती है। दोस्तों हाल ही में भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जा रहा था वार्म अप मैच जिसमें बारिश की वजह से वह भेंट चढ़ गई और वह मैच नहीं हो पाई। दोस्तों इतना ही नहीं इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले वार्म अप मैच में भी मैच रद्द हो गया जिसके चलते यह भारतीय टीम की बैड न्यूज है कि भारतीय टीम जिस ग्राउंड पे 23 अक्टूबर को मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी उस ग्राउंड पे 75% वर्षा होने की चांस है। दोस्तों ICC को सबसे पहला बात यह सोचना चाहिए कि जिस टाइम ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वहाँ की मौसम कैसा रहेगा और किस आधार के मौसम रहेगा, जिसके चलते उसके बाद कहाँ कराना है मैच और क्या करना है उसके बाद अनाउंस करनी चाहिए। लेकिन ICC बिना सोचे ही यह बोल देता है कि इस बार वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। लेकिन दोस्तों यह ICC के एक तरफ से यह एक खतरनाक न्यूज है, यानी कि बैड ICC के तरफ से यह बैड न्यूज है कि दोस्तों ICC बिना सोचे ही कहीं पे वर्ल्ड कप कराने का निर्णय ले लेता है। दोस्तों जबकि भारत में जून जुलाई में बहुत ज़्यादा वर्षा होता है, दोस्तों ICC को पहला बात की सोचना चाहिए कि ICC वहाँ का व्यवहार और मौसम वहाँ का मौसम कैसा रहेगा। दोस्तों वहाँ पे प्रत्येक दिन बारिश हो रहा है और ग्राउंड में तो लगता है दोस्तों कि भारतीय टीम और पाकिस्तान की टीम मैच रद्द भी हो सकती है, अन्यथा भारत और पाकिस्तान को मैच कम ओवर को खेला जा सकता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत की टीम चाहे जितना भी ओवर के खेले कम ही ओवर खेले, तो आपको क्या लगता है कि भारतीय टीम पाकिस्तान को 23 अक्टूबर को होने वाली मैच में और हराएगी और 2021 T20 वर्ल्ड कप का बदला भी लेगी? तो अपनी राय कमेंट में जरूर दे और हाँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।